पता नहीं क्या हुआ, 3 दिन से दूध ही नहीं दे रही है। और कैसे हो रामा भैया? अरे ठीक है भैया। अरे क्या हुआ भाई, इस तरह उदास क्यों बैठे हो? क्या बात, मुंह भी लटका हुआ है तुम्हारा और गायें भी यही हैं। गायें चराने नहीं जाओगे क्या? क्या गायें चराने जाएं भैया नंदी, 3 दिन से ये गाय एक बूंद दूध की भी नहीं दे रही है। इसके थनों से पता नहीं कैसे दूध गायब मिलता है। तो इसमें इतना उदास होने वाली कौन सी बात है, बछिया ने दूध चुंग लिया होगा? नहीं नहीं भैया, बछिया को तो मैं साथ ले ही नहीं जाता, वो तो यही रहती है। फिर रोज रोज भी तो ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम ही बताओ भैया, सारा दूध तो राजमहल में पहुँचाना पड़ता है। मैंने ये बात महामंत्री जी को बताई तो उन्होंने गुस्से में मुझ पर ही आरोप लगा दिया कि तुम गाय का दूध कहीं और बेच देते हो। महामंत्री जी ने ऐसा कहा? हाँ भैया, अब तुम ही बताओ, हम कई पुस्तों से राणा साहब के यहाँ काम करते आ रहे हैं, क्या हम उनके साथ नमक हरामी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन मंत्री जी इस बात को मानते ही नहीं। सचमुच समस्या तो तुम्हारी बहुत बड़ी है, तो तुम ऐसा करो, इस गाय का विशेष रूप से ध्यान रखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई रास्ते में ही दूध निकाल लेता हो। तुम ठीक कहते हो भैया, आज मैं गाय पर पूरी निगरानी रखूंगा। अच्छा भैया रामा, मैं चलता हूँ, मुझे भी बहुत से काम करने हैं, गायों को चारा डालना है, और हाँ कोई बात हो ना तो मुझे जरूर बताना। अच्छा भैया। अच्छा भैया चलता हूँ। अच्छा हट हट, चल चल हट हट, चल चल। ए कहाँ जाएगी, ए सीधी चल। अरे ये क्या, ये कहाँ भागी जा रही है, इसका तो पीछा करके देखना चाहिए। अरे ये क्या, ये कौन है? अरे ये तो स्वयं गोगा जी महाराज हैं, जो गाय का दूध पी रहे हैं। फिर तो लगातार गोगा जी महाराज गाय का दूध पीते आ रहे हैं। मैं भी कितना भाग्यशाली हूँ,
जो स्वयं गोगा जी महाराज को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अरे ये क्या, ये तो वापस जमीन में समा गए। मुझे ये खबर महाराज उमर सिंह व महारानी बाछल को देनी चाहिए, वो सुनेंगी तो बहुत खुश होंगी। क्या बात रामा भैया, आज भी तुम बड़ी दुविधा में लग रहे हो। क्या तुम्हें पता चला कि गाय ने दूध क्यों नहीं दिया था? आओ नंदी भैया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। गाय दूध कैसे देती, दूध तो सारा गोगा जी महाराज पी जाते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ नंदी भैया, मैं सत्य कह रहा हूँ। कल मैंने तुम्हारे कहे अनुसार गाय की निगरानी रखी तो देखा वह गाय अन्य गायों के झुंड से अलग हो गई और जोर जोर से रंभाने लगी। अच्छा? हाँ, और फिर वह गोरख टीले की तरह भागने लगी। मैंने भी भागकर उसका पीछा किया तो देखा आगे चलकर गोरख टीले के पास जहाँ गोगा जी समाये थे वहाँ जाकर गाय रुक गई। फिर धरती फटी और स्वयं गोगा जी महाराज बाहर निकले और गाय का दूध पीने लगे। अच्छा, उसके बाद वो वापस उसी स्थान पर जाकर समा गए और गाय वापस अपने झुंड में आ गई। क्या रामा भैया, ये सब सत्य है? हाँ नंदी भैया, मैंने ये अद्भुत नजारा इन्हीं आँखों से देखा है। फिर तो तुम्हें यह समाचार महाराज उमर सिंह व महारानी बाछल को देना चाहिए। हाँ भैया, मैं ये समाचार देने जा ही रहा था, बस तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। चलो अब दोनों ही महलों में चलते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, चलो दोनों ही चलते हैं। चलो भैया चलो, हाँ, चलो। महाराज उमर सिंह की जय हो। क्या बात है द्वारपाल, क्या कोई हमसे मिलने आया है? जी महाराज, नगर की राजकीय गौशाला से दो ग्वाले रामा व नंदी आपसे मिलना चाहते हैं महाराज। द्वारपाल, इस समय हम किसी कार्य में व्यस्त हैं। तुम जाओ और उन्हें महामंत्री के पास भेज दो, शायद उनकी गौशाला से संबंधित कोई समस्या होगी। और तुम महामंत्री को कहो कि इनकी जो भी समस्या हो उसे तुरंत हल करें, ये हमारा आदेश है। अक्षमा करें महाराज, मैंने उन्हें महामंत्री जी के पास जाने को कहा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना है कि वो कोई बात बताना चाहते हैं जो केवल महाराज उमर सिंह या महारानी बाछल को ही बताएंगे महाराज। द्वारपाल, तो ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। महाराज उमर सिंह की जय हो, महारानी बाछल की जय हो। महाराज, मेरा नाम रामा व इनका नाम नंदी है।
हम आपकी गौशाला के ग्वाले हैं महाराज। कहो, हमारे सामने किस लिए उपस्थित हुए हो? महाराज, मैं राजकीय गौशाला से प्रतिदिन गायों को चराने ले जाता हूँ और फिर उनका दूध निकालता हूँ। मेरे साथ इस दौरान एक बड़ी विचित्र घटना घटी महाराज। कई दिनों से सूर्य नाम की गाय दूध नहीं दे रही थी। महाराज, मैंने नंदी भैया की सलाह से उसका कारण जानने के लिए गाय की विशेष तौर पर निगरानी की। फिर क्या हुआ? फिर महाराज, मैंने देखा कि गाय अपने आप गायों के झुंड से अलग हो गई और महाराज वह रंभाती हुई गोरख टीले की तरफ भागने लगी। मैंने भी गाय के पीछे भागकर देखा तो गाय उस स्थान पर जहां गोगा जी महाराज समाये थे जाकर रुक गई और फिर धरती फटी महाराज और स्वयं गोगा जी महाराज बाहर आए। क्या? हाँ महाराज, वे फिर गाय का दूध पीने लगे और फिर वापस जमीन में समा गए। हाँ महाराज, मैंने यह अद्भुत नजारा अपनी आँखों से देखा महाराज। क्या ये सत्य है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जी हाँ महारानी, रामा सत्य कह रहा है, इसने गोगा जी को दूध पीते देखा है। तो ठीक है रामा, अगर ये सत्य है तो कल हम सब ये अद्भुत करिश्मा देखने जाएंगे। जी हाँ महाराज, हम सब पुत्र गोगा के दर्शनों को तरस गए हैं। सीरियल ये बात सुनेगी तो बहुत खुश होगी। ठीक है रामा व नंदी, अब तुम जाओ, हम सभी कल तुम्हारे साथ चलेंगे। जो आज्ञा महाराज। क्या हुआ बेटी बाछल, काछल क्यों नहीं आई? क्या तुमने ये खबर उन्हें भिजवाई थी? जी हाँ पिताजी, मैं ये समाचार देने खुद उनके महल में गई थी, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया और बोली तेरा पुत्र है, तू ही दर्शन करके आ। हे भगवान, किस मिट्टी का बनाया है तुमने इस काछल को, इतना सब कुछ होने के बाद भी नहीं बदली। दादाजी, आपका आदेश हो तो मैं दोबारा माता काछल से चलने की प्रार्थना करूं? नहीं 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 पोत्र वधु, कोई फायदा नहीं है, शायद उसके भाग्य में गोगा के दर्शन नहीं लिखे हैं। चलो बेटी चलते हैं। चलो पिताजी। महाराज, हम यहीं से सब कुछ छिप कर देखेंगे, कहीं ऐसा न हो कि आपको देखकर गोगा जी बाहर ही न आए। तुम ठीक कहते हो रामा। बेटी बाछल, सीरियल, तुम यहीं पर खड़ी रहना और पुत्र गोगा को देखकर भावुक मत होना। जी पिताजी। वो देखिए महाराज, गोगा जी बाहर आ रहे हैं। वाह, कितना सुंदर लग रहा है मेरा पोत्र। बेटा गोगा, तुम्हें देखकर तो मेरी बूढ़ी आंखों में जान आ गई। देखिए पिताजी, किस तरह से दूध पी रहा है मेरा पुत्र गोगा। मैं धन्य हुई बेटा तुम्हारे दर्शन पाकर। प्रणाम स्वामी, तुमने आज दर्शन देकर मेरी नीरस जिंदगी में नई जान डाल दी है। मैं कहती थी ना माता कि वो मरे नहीं है, अमर है, तभी तो मैं आज तक सुहागन हूँ। मालिक तेरे खेल निराले,
प्यारे में किए उजाले, धरती बीच समाने वाले। आ गई आ गई गोगा जी, आ गई आ गई गोगा जी। मालिक तेरे खेल निराले, अंधियारे में किए उजाले, धरती बीच समाने वाले। आ गई आ गई गोगा जी, आ गई आ गई गोगा जी। गोदी भर के थी उजड़ी, मास ममता थी बिछड़ी। गोदी भर के थी उजड़ी, मास ममता थी बिछड़ी। कर सुना आंगन जाने वाले, कुल की बेल चलाने वाले, जो हनुवंश के चिराग निराले। आ गई आ गई गोगा जी, आ गई आ गई गोगा जी। मालिक तेरे खेल निराले, अंधियारे में किए उजाले, धरती बीच समाने वाले। आ गई आ गई गोगा जी, आ गई आ गई गोगा जी। आज पतझड़ को बसंत मिला, रेगिस्तान में फूल खिला। आज पतझड़ को बसंत मिला, रेगिस्तान में फूल खिला। ददरेवा के वीर उजाले, गोगा नाम रखाने वाले, जाहर नीले घोड़े वाले। मालिक तेरे खेल निराले, अंधियारे में किए उजाले, धरती बीच समाने वाले। आ गई आ गई गोगा जी, आ गई आ गई गोगा जी। उजड़ी दुनिया फिर से बसी, बुझ के ज्योति अजब चसी। उजड़ी दुनिया फिर से बसी, बुझ के ज्योति अजब चसी। दूर हुए दर्दों के छाले, छलक उठे आनंद के प्याले। संभले खुशियाँ नहीं संभाले। आ गई आ गई गोगा जी, आ गई आ गई गोगा जी। मालिक तेरे खेल निराले, अंधियारे में किए उजाले, धरती बीच समाने वाले। आ गई आ गई गोगा जी, आ गई आ गई गोगा जी। चुपके सूरज यूं निकला, हर दिल में हो गया फिर उजला। चुपके सूरज यूं निकला, हर दिल में हो गया फिर उजला। नैया पार लगाने वाले, सच्ची राह बताने वाले, दिल दुखियों के बन रखवाले। मालिक तेरे खेल निराले, अंधियारे में किए उजाले, धरती बीच समाने वाले। आ गई आ गई।
धरती बीच समाने वाले मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है जब तुम्हारे पिता जेवर सिंह दूल्हा बनकर हाथी पर बैठकर सिरसा पाटन आए थे। तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारी तरह जब जवान थे तो बहुत सुंदर थे। उन्हें देखने के लिए सारा सिरसा पाटन उमड़ गया था बेटा। अच्छा। हाँ, और कहीं कहीं तो औरतें उनके हाथियों के काफिले को रोककर आरतियां उतार रही थी। वो सारे नगर की स्त्रियाँ महलों की अटारियों पर चढ़कर फूल बसा रही थी। सारा नगर ढोल नगाड़ों की आवाज़ से गूंज रहा था। रहने दो माता, हम आपके साथ बात नहीं करते, और जब हमारी शादी होगी तो हम आपको नहीं लेकर जाएंगे। क्यों, क्या हुआ बेटा? आपकी इतनी शानदार शादी हुई थी माता, और आप मुझे भी नहीं लेकर गई। शरारती कहीं के। चल महाराज उमर सिंह के पास, तुम्हारी अभी खबर लेंगे। नहीं माता, मैं तो मजाक कर रहा था माता, दादाजी को बताने की क्या आवश्यकता है। अरे ये क्या माता, इतने दास दासियों के होते हुए आप पैरों को स्वयं धो रही हैं? लाइए मैं धो देता हूँ। अरे नहीं बेटा जहार, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अब बालक नहीं हो बल्कि ददरेवा नगरी के राजा हो। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? माता तुम भी ना। माता, राजा तो मैं बाहर वालों के लिए हूँ, आपके लिए तो मैं सिर्फ आपका पुत्र जाहर हूँ, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और आपका पुत्र ये जाहर कभी नहीं चाहेगा कि उसकी माता उसके होते हुए कोई कष्ट उठाए। और वैसे भी इस संसार में माता पिता की सेवा से बढ़कर दूसरा कोई पुण्य कार्य नहीं होता। बेटा जाहर, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैंने शायद पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं जो मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। तुम्हें देख कर संसार की हर माँ ये चाहेगी बेटा कि उसे भी एक जहारवीर जैसा पुत्र प्राप्त हो। नहीं माता, भाग्यशाली तो अपने आप को मैं मानता हूँ जो मुझे आपकी कोख से जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सारा ददरेवा नगर इस बात का साक्षी है माता कि आपने मेरे जन्म के लिए कितने कष्ट उठाए हैं। आपने अपनी तपस्या से देह माता के लेख को भी बदल दिया। ये इतिहास इस बात का गवाह है कि आप जैसी माता ने तो आज तक इस धरती पर पैदा हुई है, और न ही शायद भविष्य में होगी। बेटा, भगवान बसे माँ की सूरत में, सूरत बसे मूरत में, मूरत बनी मेरे दिल में मेरी भोली माँ। हाँ राम कुजन कौशल्या, देव की कृष्ण कन्हैया, बाछल जनी जाहर गोगा, जाने की दुनिया।
बसे माँ की सूरत में। झुक जिसके आगे वो भी झुक माँ के आगे, वो भी झुक माँ के आगे। तुम जैसा पुत्र जन की किस्मत जननी की जागे, किस्मत जननी की जागे। आऊ मैं जब भी जग में जन्मे मुझे तू ही माँ। ओ राम कुजन कौशल्या देव की न कृष्ण कन्हैया, बाछल जनी जा हर गोगा जानी की दुनिया। भगवान बसे माँ की सूरत में। तेरे आंचल की छाया हर पल मेरे कष्ट हरती, हर पल मेरे कष्ट हरती। जब से तू इस जग में आया स्वर्ग बनी है धरती, स्वर्ग बनी है धरती। हो लल्लारी जब से तू इस जग में आया स्वर्ग बनी है धरती। चहकेंगी तेरे संग में ममता की गलियां। ओ राम कुजन कौशल्या देव की न कृष्ण कन्हैया, बाछल जनी जा हर गोगा जानेगी दुनिया। भगवान बसे माँ की सूरत में। तेरी ममता के आगे बड़े बड़े सागर हारे, बड़े बड़े सागर हारे। वो माँ देवी बन जाए हो तुमसे दुलारे, तुमसे दुलारे। हो लल्लारे वो माँ देवी बन जाए जनी तुमसे दुलारे। माँ तुमको मेरा अर्पण जन्मों की दुनिया। ओ राम कुजन कौशल्या देव की न कृष्ण कन्हैया, बाछल जनी जा हर गोगा जानेगी दुनिया। भगवान बसे माँ की सूरत में। माँ के बिन कोई न होता बेटे का जग में अपना, बेटे का जग में अपना। बेटे से होता है पूरा माँ का हर एक ही सपना, माँ का हर एक ही सपना। हो लल्लारी बेटे से होता है पूरा माँ का हर एक ही सपना। माँ से बढ़ के और जग में अच्छा कोई ना। राम कुजन कौशल्या देव की निक
कृष्ण कन्हैया बचल जनी क्या हर गोगा जाने की दुनिया। भगवान बसे माँ की सूरत में, सूरत बसे मूरत में, मूरत बनी मेरे दिल में मेरी भोली माँ। हो राम कुजन कौशल्या, भगवान बसे माँ की सूरत में, राम जनी कौशल्या, भगवान बसे माँ की सूरत में। बेटा सीरियल, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। क्या बात है स्वामी, आज तो तुम बहुत प्रसन्न हो, कोई विशेष वस्तु लेकर आए हो क्या? अरे हमारी तो हर बात विशेष होती है, हम बागड़ के राणा जो ठहरे। ठीक है राणा जी, अब बताओ भी क्या लेकर आए हो। ऐसे नहीं, पहले अपनी आंखें बंद करो, उसके बाद हम दिखाएंगे। अच्छा जी, ये लो, कर ली हमने अपनी आंखें बंद, अब खोले क्या? नहीं नहीं अभी नहीं। अब? हाँ अब खोलो। चूड़ियां? तुम तो ऐसे कह रहे थे जैसे आसमान से चांद तारे तोड़कर लाए हो, ये तो हर रोज ही लाते हो, इसमें कौन सी नई बात है? क्या हुआ सीरियल, क्या तुम्हें पसंद नहीं आई? पसंद तो बहुत है राणा जी, लेकिन इनको मैं रखूंगी कहाँ? क्यों, क्या हुआ? आपको पता है आपके हर रोज चूड़िया लाने से महल के दो कक्ष भर गए हैं। क्या? हाँ, अगर इसी तरह से चूड़िया लानी है तो महाराज उमर सिंह से कहकर एक महल और बनवा लीजिए। वो किस लिए? चूड़िया रखने के लिए। बात है स्वामी, आज इतना सज धज कर कहां जाने की तैयारी है? सीरियल, तुम्हें पता है आज अपनी ददरेवा नगरी में बहुत बड़े मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें बहुत दूर दूर से बड़े बड़े राजा आ रहे हैं। मैं महाराज उमर सिंह के साथ मेले का शुभारंभ करने जा रहा हूँ, क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? नहीं स्वामी, माता बाछन ने भी आज विशाल दुर्गा पूजन का आयोजन किया है और उनका आदेश है कि मैं इस पूजन में उनके साथ रहूं, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकती स्वामी। ठीक है सीरियल। अच्छा ये बताओ, हम आपके लिए मेले से क्या लेकर आए? कुछ भी ले आइए स्वामी, सिवाय चूड़ियों को छोड़कर। सीरियल, शायद तुम ये भूल रही हो कि चूड़ियां एक औरत के सुहाग की निशानी होती हैं और तुम मुझे ये लाने से इनकार कर रही हो। नहीं स्वामी, ऐसी बात नहीं है, आप तो बुरा मान गए, मैं तो मजाक कर रही थी। सीरियल, हमें ऐसे मजाक कतई पसंद नहीं जो हमारे दिल को ठेस पहुंचाएं। इस बात के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ स्वामी। सीरियल, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम चौहान वंश की पुत्र वधु हो और हम बागड़ के राजपूतों की राजसी परंपराओं के अनुसार औरतें जब तक उसका पति जीवित हो लाल जोड़े में 16 सिंगार कर दुल्हन की तरह रहती हैं। और रानी सीरियल,
हम तो आपको अपने आप से भी ज्यादा चाहते हैं, और भगवान न करे कि हमें जिंदगी में कभी कुछ हो जाए तो तुम मुझे वचन दो कि जिंदगी भर आखिरी सांस तक तुम इसी तरह लाल जोड़े में रहोगी। ठीक है स्वामी, मैं आपको इस बात का वचन देती हूँ कि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक लाल जोड़े में दुल्हन बनकर रहूंगी।
हर धड़कन तुम्हें पुकारे, रखूं खोल मैं दिल के द्वारे। मेरे दिल का मीठा साज देता हर पल ये आवाज, अब तेरे बिना दिल लागे ना लागे ना। सुने माथे पे तू बिंदिया लगा ले, चूड़ी हाथों में तू मोनो धनकाले, जोड़े लाल बिना तने साजना साजे। मेरी चांदनी से रातों के उजाले, चाहते हैं बने अफसाने। दिल के दिल से है फरियाद, जरा सुन लो दिलदार, अब तेरे बिना दिल लागे ना लागे ना। सुने माथे पे तू बिंदिया लगा ले, चूड़ी हाथों में तू मोनो खनका, जोड़े लाल बिना तने साजना साजना। मेरी चांदनी से रातों के उजाले, मेरी निंदिया के सपने सुहाने, अब तेरे बिना दिल लागे ना लागे ना। सुने माथे पे तू लगा ले, चूड़ी हाथों में तू मोनो खनका ले। मेरी चांदनी से रातों के उजाले, मेरी चांदनी से रातों के उजाले। स्वामी देखो स्वामी, मैं आज भी 16 सिंगार कर लाल जोड़े में हूँ, लेकिन स्वामी इस हार श्रृंगार का क्या फायदा जब इसे देखने वाला ही छोड़कर चला गया हो। मैं पूछती हूँ स्वामी, तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारे बिना आज ये महल जो कभी स्वर्ग के समान लगते थे खाने को तोड़ते हैं। मैं तंग आ गई हूँ स्वामी, इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ। सीरियल रानी सीरियल। कौन कौन बोल रहा है? हम वही बोल रहे हैं रानी सीरियल, जिसके लिए आप रो रही हैं। स्वामी आप? हाँ सीरियल, हम हमसे ये तुम्हारा दर्द सहन नहीं होता। सीरियल अब तुम्हारा ये आंसू बहाने का समय समाप्त हो गया है, अब तुम हमारे पास आओ। सीरियल हम तुम्हें बुला रहे हैं, सीरियल हमारे पास आओ। सीरियल स्वामी
देखो स्वामी, मैं आज भी 16 सिंगार कर लाल जोड़े में हूँ, लेकिन स्वामी इस हार श्रृंगार का क्या फायदा जब इसे देखने वाला ही छोड़कर चला गया हो। मैं पूछती हूँ स्वामी, तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारे बिना आज ये महल जो कभी स्वर्ग के समान लगते थे खाने को तोड़ते हैं। मैं तंग आ गई हूँ स्वामी, इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ। सीरियल सीरियल रानी सीरियल। कौन कौन बोल रहा है? हम वही बोल रहे हैं रानी सीरियल, जिसके लिए आप रो रही हैं। स्वामी आप? हाँ सीरियल, हम हमसे ये तुम्हारा दर्द सहन नहीं होता। सीरियल, अब तुम्हारा ये आंसू बहाने का समय समाप्त हो गया है, अब तुम हमारे पास आओ। सीरियल, हम तुम्हें बुला रहे हैं। सीरियल, हमारे पास आओ। सीरियल, स्वामी स्वामी मैं अभी आई, स्वामी अभी आई। महारानी बाछल की जय हो। क्या बात है सैनिक? महारानी गजब हो गया महारानी। क्या हुआ सैनिक? महारानी, रानी सीरियल गोरख किले की तरफ जहां गोगा जी महाराज समाये थे उस तरफ रोती हुई भागी जा रही है महारानी। ये तुम क्या कह रहे हो सैनिक? जी हाँ महारानी, ये हमने अपनी आँखों से देखा है महारानी। सैनिक जल्दी करो ये समाचार महाराज उमर सिंह को बताओ, उस रानी सीरियल को रोको नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जी महारानी। महाराज उमर सिंह की जय हो, जल्दी चलिए महाराज। क्या बात है सैनिक? महाराज, रानी सीरियल गोरख टीले की तरफ जहां गोगाजी समाये थे उसी तरफ तेजी से भागी जा रही है महाराज। ये तुम क्या कह रहे हो सैनिक? सीरियल, जिस बात का मुझे डर था तुमने वही अनर्थ कर दिया। सैनिक जल्दी चलो, हमें उसे वहां पहुंचने से पहले रोकना होगा। चलिए महाराज। जा रही रानी सीरियल। रुको बेटी सीरियल, वापिस आ जाओ बेटी, आगे मत बढ़ो। देखिए ना महाराज, रोकिए उसे महाराज, रोकिए उसे। आओ सीरियल, हमारे पास आओ।
बेटी सीरियल, ये तुमने क्या किया बेटी? तुम भी हमें छोड़ के चली गई। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? जाने से पहले बेटी तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी इस माता बाचल का क्या होगा? मुझे कौन से पापों की सजा दे रहे हो? ए गुरु गोरखनाथ, मुझे जवाब चाहिए, मेरी पुकार सुनो। ए गुरु गोरखनाथ, मेरी पुकार सुनो। बेटी बाचल, क्या कहना चाहती हो? हे गुरु गोरखनाथ, मेरी आंखों के सामने पहले तो मेरा पुत्र गोगा धरती में समा गया, और अब सीरियल, मुझ में अब और दुख सहने की शक्ति नहीं रही। हे महाराज, मुझे भी मौत दे दीजिए, मुझे भी मौत दे दीजिए। मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती। बेटी बाचल, सब काम अपने समय व विधि अनुसार होते हैं। सीरियल का अब धरती में समाधि लेने का समय आ गया था, इसलिए मेरे ही आदेश से गोगा ने उसे बुलाया था, और यही विधाता का लेख था। विधाता के लिखे को कोई नहीं बदल सकता बेटी। समय आने पर स्वयं भगवान श्री राम को भी 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा था। तुम्हें तो इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि देवताओं से भी बढ़कर शक्तिशाली व चमत्कारी पुत्र गोगा ने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया। और रही बात तुम्हारे दुखों की, तो हम उनका अंत किए देते हैं। तुम्हें भी अपने पुत्र गोगा के साथ इसी जगह पर स्थान देते हैं, ताकि तुम भी जगत कल्याण में उनका साथ दे सको। आपकी सदा जय हो, जय हो गुरु गोरखनाथ जी। शिष्य गोगा, बाहर आओ और अपनी माता को अपने साथ ले जाओ। आओ माता। हे योगीराज, मुझे माफ कर दें, आज ये चमत्कार देखकर मुझे अपने के पर पछतावा हो रहा है कि क्यों मैंने अपनी देवी समान बहन के साथ बुरा बर्ताव किया। मुझे माफ करें योगीराज, और मेरा भी उद्धार करें। काचल, तुमने जो आज तक बुरे कर्म किए हैं वो माफ करने योग्य नहीं हैं। तुमने अपनी बहन को सिवाय दुखों के कुछ नहीं दिया, फिर भी हम चाहते हैं कि तुम अपना बाकी जीवन अच्छे आचरण से सुधार कर जग में अपना नाम कमाओ। इसलिए हम तुम्हें भी अपनी बहन बाचल के साथ इसी जमीन में स्थान देते हैं। तुम भी जगत कल्याण में अपनी बहन बाचल का साथ देना। शिष्य गोगा, बाहर आओ और अपनी माता काचल को अपने साथ ले जाओ। आओ माता। हे गुरु गोरखनाथ, मुझ पर भी दया करो, मैं भी अब जीवन के आखिरी पड़ाव में हूँ। सारा चौहान वंश मेरी आंखों के सामने समाप्त हो गया। मेरी इन बूढ़ी आंखों में इस दुखी संसार को देखने की शक्ति नहीं रही है। हे योगीराज, मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ। मुझे भी पुत्र गोगा के साथ इसी धरती में स्थान दे दो। नहीं महाराज उमरपाल सिंह, ये संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तुम अभी कुछ वर्ष और प्रजा की सेवा करो, यही विधि का लेख है। राजा उमर सिंह, अपने वंश के बारे में सोचकर तुम्हें दुखी नहीं बल्कि प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा चौहान वंश समाप्त नहीं हुआ बल्कि उसे तो अमरत्व प्राप्त हो गया है।
अब युगों युगों तक गोगा बाछल व सीरियल इसी स्थान पर निवास करेंगे और वे हर वर्ष भादो मास में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर आएंगे। जो नर नारी सच्चे मन से गोगा जी की समाधि पर माथा टेक जो भी मन्नत मांगेगा वो कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। उनके इसी चमत्कार के कारण ये सारा संसार उनकी जोत जगाएगा। राजा उमर सिंह, आज तक इस धरती पर कोई ऐसा देवता पीर पैगंबर नहीं हुआ जिसे हर धर्म के लोग मानते हों। सिर्फ गोगा जी को ही वो सौभाग्य प्राप्त होगा जिसे हर धर्म के लोग अपना भगवान मानकर उससे शीश झुकाएंगे और गोगा उनकी हर मन्नतें पूरी करेंगे। जो स्त्रियां सीरियल की समाधि पर लाल चुनरी चूड़ियां व श्रृंगार का सामान व बाछल की समाधि पर नारियल व जौ चढ़ा जो भी मुराद मांगेंगी वो अवश्य पूरी होंगी। वे स्त्रियां जीवन भर सुहागन रहेंगी और बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा उमर सिंह, आने वाले समय में यह स्थान गोगा मैड़ी के नाम से प्रसिद्ध होगा और प्रत्येक गांव व नगर में भादो मास में पवित्र गोगा छड़ी निकाली जाएगी। जो भक्त गोगा छड़ी को शीश झुकाएगा और पीले वस्त्र धारण कर उसे गोगा मैड़ी लेकर आएगा वो भक्त गोगा जी की कृपा से इस जन्म में सभी पाप कर्मों से मुक्त हो वह मनचाहा फल प्राप्त कर जन्म मरण से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त होंगे। राजा उमर सिंह, जहार वीर गोगा जी की अमर कहानी जन्म जन्मांतर तक लोग याद रखेंगे, इसलिए अब तुम खुशी खुशी महलों में जाओ और नगर वासियों को धीर बंधाओ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जय गुरु गोरखनाथ। तुम्हारा कल्याण हो। संकट पल में दूर करूंगा मैं, संकट पल में दूर करूंगा, संकट पल में दूर करूंगा मैं, संकट पल में दूर करूंगा। मेरे प्यार भक्तों मेरी द्वार खुला है, संकट पल में दूर करूंगा मैं, संकट पल में दूर करूंगा। रहता हूँ हर दम पास तुम्हारे, मुझको नहीं बुलाना, मुझको नहीं बुलाना, आए इपदा कोई आकर मेरी शीश झुकाना, मेरी शीश झुकाना। जो मांगोगे पल में वही तो मिला है, संकट पल में दूर करूंगा मैं, संकट पल में दूर करूंगा। मेरे प्यार भक्तों मेरी द्वार खुला है, संकट पल में दूर करूंगा मैं, संकट पल में दूर करूंगा। काली छाया कुछ ना तुम्हारा कर पाएगी, कुछ ना तुम्हारा कर पाएगी, ध्यान धरोगे मेरा तो सुनी गोद भर जाएगी, सुनी गोद भर जाएगी। योगियों के तेज का दीप यहाँ जला है, संकट पल में दूर करूंगा मैं, संकट पल में दूर करूंगा।
पल में दूर करूंगा, मैं संकट पल में दूर करूंगा। और मन से करोगे जब तुम मेरी भक्ति, जब तुम मेरी भक्ति, पुण्य का दीपक जले हृदय में, मिलेगी उत्तम शक्ति, मिलेगी उत्तम शक्ति। ज्योति जगा कर यहाँ मन चाहा फल मिला है, संकट पल में दूर करूंगा, मैं संकट पल में दूर करूंगा। मेरे प्यारे भक्तों मेरी द्वार खुला है, संकट पल में दूर करूंगा, मैं संकट पल में दूर करूंगा। बाछल सीरियल और बोलो गुरु गोरख का जयकारा, गुरु गोरख का जयकारा। कोई नहीं निराश रहे या भर खुशियों का भंडारा, भर खुशियों का भंडारा। मेरा तो प्यार यहाँ सभी को मिला है, संकट पल में दूर करूंगा, मैं संकट पल में दूर करूंगा। मेरे प्यारे भक्तों मेरी द्वार खुला है, संकट पल में दूर करूंगा, मैं संकट पल में दूर करूंगा। मेरे प्यारे भक्तों मेरी द्वार खुला है, संकट पल में दूर करूंगा, मैं संकट पल में दूर करूंगा, संकट पल में दूर करूंगा, मैं संकट पल में दूर करूंगा।